मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आप लोग को इंडियन म्यूज़िक के बारे में पढ़ाया था। इसमें कुछ बच गया था पढ़ाना, रिमेनिंग था, उसको आज मैं फिनिश करता हूँ। तो सेकंड क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम फॉर द फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट से क्या करना है, इसमें नाम ढूंढना है, ठीक है। सितार प्लेयर कौन है, तो है रविशंकर, ठीक है। उसके तबला प्लेयर कौन है, रुशैन है ना, और विक्रम घोष। उसके बाद है संतूर प्लेयर कौन है, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो संतूर प्लेयर कौन है, शिव कुमार शर्मा। उसके बाद है बांसुरी प्लेयर कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया। और वोकलिस्ट सिंगर कौन है, भीमसेन जोशी, राशिद खान और एम एस सुबलक्ष्मी, है ना। ये सब क्या है, आर्टिस्ट के नाम है जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। उसके बाद अब है टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द और ऑप्शन, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसमें हो सकते हैं, उसको देखते हैं। द टाला इज अ साइकिल ऑफ बीट्स दैट रिपीट्स थ्रू आउट अ म्यूजिक पीस। विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेंटेन द ताला। ताला एक साइकिल ऑफ बीट का एक साइकिल होता है, बार बार क्या करता है, मतलब कोई भी बीट होते रहता है। साइकिल करना मतलब कि एक बीट हुआ उस समय बाद दूसरा बीट साइकिल की तरह चलते रहता है ना। तो रिपीट द थ्रू आउट ए म्यूजिक पीस, म्यूजिक में क्या किया जाता है, वो रिपीट करता रहता है अपने बीट को। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ताला, तो मेंटेन ताला को मेंटेन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तबला है ना, घातम है ना, पखवाज और मृदगम है ना। ये तीनों की, ये सब क्या, चारों इंस्ट्रूमेंट हैं जो ताल के साइकिल को रिपीट करते रहते हैं ना। ताल जो होता है उसका हर बीट, जैसे एक बीट आया उसके कितना जस्ट बाद दूसरा बीट आएगा, साइकिल की तरफ बीट चलते रहता है। तो इस बीट को मेंटेन करने के लिए कौन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, तबला, घातम, पखवास है ना, मृदगम है ना, ये सब क्या है, इसके बीट्स हैं। उसके अलावा क्या आते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेट ऑफ नोट्स, इसमें कौन सेट ऑफ नोट्स में नहीं है, तो है रागमाला। रागमाला क्या है, सेट ऑफ नोट्स के अंदर नहीं आते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सब क्या हो गया आपका, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाया था आपको नोट्स के बारे में। देखिए इंडियन सा रे गा मा पा धा नि सा, इनको सरगम बोलते हैं। इसमें क्या आता है, विच इज नॉट अ सेट ऑफ नोट्स, कौन जो मतलब सेट उसके सेट में नहीं आता है, तो कौन है, रागमाला है ना। अब सेट्स ऑफ नोट्स किसको बोलते हैं, सरगम को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन रॉयल फैमिलीज हैव ऑलवेज पेट्रोनाइज्ड म्यूजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल वेयर म्यूजिशियन देमसेल्फ। इंडियन रॉयल फैमिली, जो भी हमारा भारतीय राजशाही फैमिली वगैरह रॉयल फैमिली है ना, वो क्या करते हैं, ऑलवेज पेट्रोनाइज्ड म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल वेयर म्यूजिशियन देमसेल्फ है ना। तो ये क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पैट्रोनाइज का मतलब होता है नियमित रूप से ग्रहण, यानी कि रेगुलरली ग्रहण करना। तो इसमें क्या, रॉयल फैमिली जो हमेशा म्यूजिक को हमेशा ग्रहण करते हैं, इसके इसके रेगुलर कस्टमर हैं है ना। विच आर द फॉलोइंग रॉयल्स रॉयल्स वेयर म्यूजिशियन देमसेल्फ, तो कौन सा रॉयल्स है जो है, जो क्या खुद म्यूजिशियन है, तो मृगन्यानी है ना, मीराबाई, वाजिद अली शाह है ना, समुद्रगुप्त, ये सब क्या खुद म्यूजिशियन है ना। ये अपने रॉयल फैमिली के ऐसे ये मेंबर्स वगैरह हैं, मेंबर्स हैं जो खुद म्यूजिशियन हो, खुद अपना म्यूजिक बजाते हैं। उसके आते हैं अ ड्रोन इज नॉट दैट, अ ड्रोन इज अ नोट दैट इज साउंडेड ऑलमोस्ट थ्रू अ पीस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर दिस। देखिए ड्रोन जो होता है वो क्या, एक नोट है जो कंटिन्यूसली साउंड करता है, तो उस किस इंस्ट्रूमेंट से बजाया जाता है, तानपुरा, एक ताड़ा है ना, और स्वर मंदाल, इनसे बजाया जाता है ये ड्रोन नोट, ठीक है। नोट ड्रोन क्या है, एक नोट, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा नोट, उसी तरह ड्रोन भी क्या है आपका, नोट है, ठीक है। उसके आगे आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग तानसेन कंपोज, अब इनमें कौन राग है जो तानसेन ने उसको प्रपोज कंपोज किया था, तो कौन है, मियाँ की तोड़ी है ना, मियाँ की मल्हार और दरबारी कनाडा। ये तीनों जो ये राग हैं, ये तानसेन द्वारा कंपोज किया गया था है ना। अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पायोनियर्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज रिगार्ड्स द पितामह,
तो ऐसे कौन से पायोनियर हैं जिनको कर्नाटिक म्यूजिक से, जो भी हमारा म्यूजिक है उसके दो स्कूल्स हैं, एक है हमारा हिंदुस्तानी, दूसरा है कर्नाटिक। हिंदुस्तानी किधर है? नॉर्थ इंडिया में बजाया जाता है, और कर्नाटिक है साउथ इंडियन स्कूल का है। तो कर्नाटिक म्यूजिक के पायोनियर कौन है, है ना, उसके पायोनियर को पितामह कहा जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक को कौन है, तो इनका पुरंदर दास को क्या बोला जाता है, पुरंदर दास को बोला जाता है कर्नाटिक म्यूजिक का पिता, वो पितामह बोला जाता है, है ना। पुरंदरा दास को क्या बोला जाता है कर्नाटिक पितामह। उसके बाद आगे आते हैं, हु इज बिलीव टू हैव वॉन ए म्यूजिक ड्यूल अगेंस्ट तानसेन। अब ऐसा मतलब कौन है जो म्यूजिक तानसेन के अगेंस्ट ना म्यूजिक के लिए उनको जीते थे वो, ये क्वेश्चन है। हु इज बिलीव टू हैव वॉन ए म्यूजिक ड्यूअल अगेंस्ट तानसेन। ऐसा माना जाता है, कौन ऐसा है जो म्यूजिक ड्यूअल जीता था, यानी कि उसका अपोनेंट तानसेन थे, है ना, ऐसा माना जाता है। कौन है वो? बैजू बाजू बावड़ा जो है, ये जो म्यूजिक ड्यूअल जीते थे तानसेन के अपोजिट, है ना, ऐसा है। उसके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज नॉट क्लासिकल। अब इसमें कौन ऐसा फॉर्म है जो क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म नहीं है, तो वह लावनी। लावनी क्या है आपका? फोक म्यूजिक है। उसके बाद आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, कौन है जो धार्मिक फॉर्म है म्यूजिक का, धार्मिक फॉर्म है, वो कौन है? तो आपका कीर्तन, भजन, कव्वाली, ये सब क्या हो गया आपका? धार्मिक फॉर्म है म्यूजिक का। उसके बाद आगे आते हैं हम, अ राग बिलीव टू कॉज फायर। राग एक राग होता है जिसको गाने से क्या ऐसा माना जाता है कि आग लग जाती है, तो उसका नाम क्या है? उस राग का नाम दीपक। जो ये तानसेन गाते थे, अगर वो जब ये दीपक राग जो गाते थे तो आग लग जाती थी, है ना। उसका आते हैं, और राग लिंक विद द स्प्रिंग सीजन, ऐसा राग जो स्प्रिंग सीजन से यानी वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है, कौन है? बहार राग। उसके बाद अ फैमिली ऑफ मॉर्निंग राग, वन इज नेम्ड आफ्टर तानसेन। ए फैमिली ऑफ मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग सुबह का राग का जो फैमिली है ना, मेरे परिवार है, वन इज नॉट नेम्ड आफ्टर, जिसका नाम तानसेन का रखा गया, उसका क्या है? तोड़ी, ठीक है। उसके आते हैं, अ साउथ इंडियन राग, इट्स नेम्स मीन साउंड ऑफ स्वांस। एक साउथ इंडियन राग है जिसका मतलब होता है साउंड ऑफ स्वांस, यानी कि जो भी स्वान हैं उनके साउंड, साउंड है ना, उनका साउंड, तो क्या है उसका नाम, है ना, हंस ध्वनि। क्या नाम है उसका? हंस ध्वनि, है ना, क्या नाम है? हंस ध्वनि। उसके आगे आते हैं, हंस ध्वनि नाम है। उसके आगे आते हैं, ये इसका क्या है? हंस ध्वनि। उसके बाद वेरी ओल्ड राग, एक बहुत पुराना राग है, बिलीव टू हैव कम फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ऐसा बहुत पुराना राग जैसा माना जाता है कि यह लॉर्ड शिवा से आया था। क्या नाम है उसका? भैरव राग। उसके आते हैं, फैमिली ऑफ राग्स कंपोज बाई तानसेन फॉर कोर्ट परफॉर्मेंस। एक फैमिली ऑफ राग है जो कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए कंपोज किया गया था तानसेन के द्वारा, उसका नाम क्या है? दरबारी। उसके बाद कहते हैं, सेवरल पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आर जस्ट वंदे मातरम इज बेस्ड ऑन दिस। बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग है जैसे वंदे मातरम, ये किस चीज़ पर बेस्ड है? देश पर बेस्ड है। उसके कहते हैं, द राग इज बिलीव टू बी फेवरेट ऑफ डिजिन्स। क्या ये कौन ऐसा राग है जो ऐसा माना जाता है डिजिन्स या जिनिस का क्या है वो फेवरेट है, तो कौन है? ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 8। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 से आगे डिस्कस करेंगे।